चलिए देखिए क्या दिया हुआ है ना, कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या दिया हुआ है, 2x+3y=11 दिया हुआ है, और 2x-4y = कितना दिया, -24 दिया हुआ है। मान लो कि यहाँ से लिखोगे तो 2x = क्या हो जाएगा, -24+4y हो जाएगा, ठीक है ना। तो x = कितना हो जाएगा, -12+2y हो जाएगा, ठीक है। x = यहाँ से, अब ये x का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, 2x+3y = 11 है, तो 2 को 2 रख दिए, x के जगह पे क्या पुट करना है, -12+2y। अब +3y यहाँ दिया हुआ है = 11 है, अंदर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24+4y। अब प्लस ये 3y = कितना है, 11, 3 और 4 कितना हो गया, 7y = 11, ये और 24 ये वाला जाके ऐड होगा, ये हो गया 35। तो y = कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, y = 5 आ गया। अब y = 5 आ गया तो x = कितना है, x = है हमारा -12+2y, तो -12 -12 और 2, और y का वैल्यू कितना है, 5, तो -12 अब प्लस कितना हो जाएगा, 10, यानी कि -2। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, वाई का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। यहां तक समझ में आया सबको, वाई का वैल्यू 5 कैसे आया और एक्स का वैल्यू -2 कैसे आया। क्लियर बात बताओ, समझ में आया कि नहीं। जब इतना आ गया था, अब एक नया इक्वेशन क्या दिया है, y = mx+3 दिया है, y का वैल्यू कितना है, 5 आया, तो 5 पुट किया y के जगह पे, m को m छोड़ दिए, x के वैल्यू कितना है, -2 आया, तो -2 पुट किया, +3 है, 5 का 5 होगा, ये कितना हो गया, -2m हो गया +3। अब यहां से -2m = क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो यहां से -m = कितना हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1, ठीक है। तो m = कितना हो जाएगा, -1, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 आंसर। ये चीज समझ में आया किसी को, m का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1। अब समझ में आ गया कि अभी भी समझ में नहीं आया। समझ में आ गया तो बहुत दिक्कत है तुमको। चलो एम का वैल्यू एक बार और देखो, एम का वैल्यू एक बार और निकालने के लिए क्या दिया है, ये इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या है, y = mx+3 दिया हुआ है, y का वैल्यू आया था कितना, 5 आया था, तो y की जगह पे 5 रख दिए, m को m छोड़ दिए, x का वैल्यू -2 आया था तो -2 रख दिए, 3 को 3 रख दिए, 5 = m को -2 में गुना करेंगे तो -2m+3। अब क्या करेंगे कि अब मान लो कि -2m को इस तरफ ले आना है, तो ये कितना हो गया, 5+2m = हो गया 3। अब क्या करना है कि 5 को इस तरफ भेज देना है, तो 2m = कितना हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा, समझ गया ना। तो 2m = एक्चुअल में कितना आ गया, -2 आ गया, तो m = कितना आ जाएगा, -2/2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा आंसर। अब भी नहीं समझ में आया, m का वैल्यू अभी भी नहीं समझ में आया, y = 5 हमारा आया हुआ था, x = -2 हमारा आया हुआ था। तो सही में समझ में अगर आ गया तुम लोगों को, ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन अभी बना के दिखाइए जैसे हम बनाए हैं, और प्लस में इसमें 4 नंबर जल्दी बना के हमको भेजिए, शिवम शायद भेजा हुआ है। चलो ये 2 नंबर बना के बताओ ना, इसी में हम समझ में आएंगे कि आ गया तुम लोग को समझ में। 2 नंबर बना के व्हाट्सएप भेजो जल्दी। टू नंबर बना के जल्दी भेजिए। इक्वेशन इसमें कितना है, 2x+3y = 11 है, और 2x-4y = -24 है। जब तुमको भाई चौथा नंबर बन रहा है, पहला बन रहा है, तो तुमको ये इक्वेशन
सोल्व करके पहले एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा इतना तो निकालने आ ही जाएगा किसी को। जब एक्स और वाई का वैल्यू जब आ ही गया तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री में पुट करेंगे तो एम का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर बात आना चाहिए, जिसको पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा उसको दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा समझ में। 5 मिनट में बना के भेजिए उसको जल्दी दूसरा नंबर। इसका तो आ गया जी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एस चांद का, देखे उसमें कितना बढ़िया दिया हुआ है सेल्फ स्टडी करने के लिए। देखी बुक कि नहीं देखी है? हाँ उसको सिर्फ देखने से नहीं होगा, डेली टाइम टेबल बना के उसको पढ़ना पड़ेगा 1 घंटा सेल्फ स्टडी। बायोलॉजी तो भाई रटने से ही होगा, बायोलॉजी तो रटने से ही ना होगा, रोज 1 घंटा टाइम बना के उसको एकदम बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी के खास करके। अरे तुम पैसा रखे हुए हो ना शिवम? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 1100 रुपया में देगा पार्सल, और मैथ का देगा 500 से थोड़ा सा कम में, 500 से थोड़ा सा कम में देगा। आज ही क्या की थी कि 1700 रुपया दे दी थी, हम इसको बताए थे कि 1700 के लगभग लगेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथवे के 1700 दे दी थी। 600 रुपया कुरियर वाला के फोन करके लौटवाना पड़ा ना, था आज तो चल गया था इसका 600। शिवम का भी आ गया, शिवम का भी आ गया। आज ही दिया है तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ गया, क्या आ गया? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ गया होगा। उसका सारा आ गया जी, मैथ वाला किताब ओरिजिनल लग रहा है ना, पहले पता कर लेना, नहीं तो नकलियों दे देता है कभी, गांधी मैदान वाला एकदम खराब पेज वाला। मोबाइलवा दे दे तो। अच्छा सेल्फ स्टडीज बेस्ट स्टडी। तुम लोग क्वेश्चन बना के जल्दी वाला भेजो भाई, आर एस अग्रवाल इसका अभी मैथ का बुक नहीं आया है, अगला चैप्टर उसी से पढ़ाएंगे। ये जहाँ आके पढ़ेगी या तुमको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ये नीचे पढ़ा के मैथ के क्लास खास करके। ठीक
फोन गया तो बताया जाए, इतना देर हो रहा है। अरे वाई इज इक्वल टू आएगा, वाई इज इक्वल टू आएगा -1। इसका थोड़ा सा मिस्टेक है करिश्मा का, वाई इज इक्वल टू -1 आएगा। करेक्ट कीजिए, बढ़िया से उसको बनाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं भाई। चलो शिवम का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मान लेते हैं ना, लेट एक वो नंबर हमारा एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिया है, 26 है। मतलब एक्स माइनस वाई कितना है, 26 है। ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। वन नंबर मतलब एक्स जो बोल रहा है, अदर नंबर का 3 टाइम है। तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन सोल्व करके तुम लोग वैल्यू बता सकते हो, एक्स का कितना आएगा, वाई का कितना आएगा, बताओ जल्दी, बता सकते हो ना। स्टेटमेंट पढ़ के पहले क्या किए, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है, 26 पहला इक्वेशन। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। वन नंबर इज 3 टाइम अदर नंबर, और -3 वाई को इस तरफ ले आए तो एक्स -3 वाई इक्वल टू 0 हो गया। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन सोल्व करके तुम लोग वैल्यू एक्स और वाई का बता सकते हो ना, तब नंबर वही हो जाएगा एक्स और वाई। कोई दिक्कत इसमें, एक्स और वाई का वैल्यू ही तो वो नंबर है। नंबर हम लोग क्या माने हैं, लेट क्या माने हैं, लेट नंबर भी एक्स एंड वाई नंबरे तो माने हैं कि एक नंबर हमारा एक्स और एक वाई है, और दो वो इक्वेशन बनाए हैं। इसको बना के भेजिए जल्दी 2 मिनट में, और थोड़ा सा भाई खुद से दिमाग अब चलाना पड़ेगा तुम लोगों को। जैसे कि ये हम बता दिए, इसको बना के भेजो जल्दी।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, लार्जर द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब ये तो थोड़ा दिक्कत है, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल कितना डिग्री का होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक सप्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री 180 का होता है कि सप्लीमेंट्री 180 का होता है, एक 90 डिग्री का होता है एक 180 डिग्री का होता है। इसी में कंफ्यूजन है, बाकी कुछ में कंफ्यूजन नहीं है। देख लेते हैं दूसरा वाला, कभी हिंट दे देते हैं तब तुम लोग दोनों एक साथ बना के भेजना। सप्लीमेंट्री एंगल, चलिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो पहला मान लो कि दो गो एंगल, एगो को एक्स एंगल मान लो एगो को वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन। फिर क्या होगा, एक एंगल दूसरे एंगल से कितना है स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ठीक है। एगो जो एक्स है वो वाई से कितना है 18 कम है, ठीक है ना, 18 कम है। तो x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, -18 आ गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, एंगल होगा। याद रखिए सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ दिया है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री दे देगा तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री, तो ये भी एक लिख लेना भाई। एंगल निकाल के बताइए जल्दी। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला और दूसरा। तो 5 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन बना के आप भेजो, चीटिंग नहीं करना है, कहीं 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 से तुम लोग चीटिंग कर रहे थे हो। ये दोनों क्वेश्चन बना के आप भेजिए जल्दी, 5 मिनट में, 5 मिनट में जितना टाइम लगे। लगी एक हम खोली है लड्डू, लगी लगी तो दे भी ही उस सबके का कर बन। पांच मिनट में क्वेश्चन बना के भेजो लेकिन। आर एस अग्रवाल का किताब ठीक था ना शिवम, जैसे कि क्या होता है ना कि ईयर वाइज अगर प्रिंटिंग होता है ना तो थोड़ा सा कवर चेंज रहता है, कभी लाल कभी ब्लू कभी पियर, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्वेश्चन अंदर का सब सेम ही रहता है। ये 2021 का प्रिंट है, लेकिन इसका तो देखे थे कि बायोलॉजी तो 2023 का प्रिंट है, तो ये भी बात हो जाता है कि वही किताब अगर 2023 में प्रिंट होगा ना तो वो 700 रुपया दाम हो जाएगा।
थोड़ा सा दाम बढ़ जाता है। ऑनलाइन किताब लेने का फायदा भी है, हमको तो लगता नहीं है कि 30% तुम लोग को डिस्काउंट देता दुकान में। ₹1,650 टोटल हो रहा है, उसमें से हमको लगता नहीं है कि इसका 30% डिस्काउंट करके ₹1,100 में तुमको किताब दे देता दुकान पर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमको 10% से ज्यादा हमको लगता है कि देवे नहीं करता डिस्काउंट, कम से कम ₹1,500 में किताब देता, 1,500 या 1,400। और द सेकेंड क्वेश्चन जो बनाई है, सेकेंड क्वेश्चन वो बनाई है, उसमें एक एक को एंगलवा निकाल के छोड़ दी है। पीसी भी बता रहे थे कि तुम किसी से दुकान उकान में पूछे थे कि नहीं, हम बोले थे ना कि पूछ लेना दुकान में कि कितना में दे रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बुक। या किसी दोस्ते से पूछ लेना या किसी से पूछ लेना।
चलिए तो इसका तो दोनों सही था, अब इसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं तीसरा चौथा क्वेश्चन में। ये क्या बता रहा था, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल, तो बैट का मान लेते हैं ₹1 दाम, ठीक है, बैट मान लेते हैं, ठीक है, 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, बैट का दाम ₹1 और बॉल का दाम मान लेते हैं ₹Y, ठीक है। तो क्या है, 7 गो बैट तो 7x प्लस 6 गो बॉल 6y इक्वल टू, टोटल कितना लग गया उसको, ₹3800 लग गया, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, दूसरा बार में वो 3 गो बैट 3x प्लस 5 बॉल तो 5y 1750 में, ये दूसरा इक्वेशन। अब इसको भी उसी तरह सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा कुछ, वाई का आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, इच बॉल बॉल एंड बैट का प्राइस आ जाएगा, एस का जो वैल्यू आएगा वो इच बैट का प्राइस आएगा, वाई का जो वैल्यू आएगा इच बॉल का प्राइस आएगा। कोई दिक्कत तीसरा क्वेश्चन में? इस समझ में आ गया ना, तो इसको बनाना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा, इसको घर से बनाना है HW में, इसको बनाने लगोगे तो 10 मिनट लग जाएगा, समझ गया ना, इसको घर से बनाना है। चलिए समझ में आ गया तो आगे बढ़िए, हिंट दे दे रहे हैं आगे बढ़ते थोड़ा। चौथा में क्या बोल रहा है, ए टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, चार्ज पेड इज ₹105 फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, चार्ज चार्ज पेड बाई ₹155, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको हम खुद से बनाने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ना, कैसे ओला है तो जाता है पहले, मतलब 5 किलोमीटर एक फिक्स चार्ज लगा कि ₹50 आपका लग गया बुकिंग किया था, अब फिर आपको एक एक मिनट होता रहेगा तो उसका क्या लेगा, वो एक एक किलोमीटर का ₹5 बढ़ित जाएगा, ₹50 फिक्स चार्ज आपका हो गया, और जैसे आप बढ़ते रहिएगा ना, मान लीजिए 10 किलोमीटर आप गए तो 50 ही लग जाएगा, और ₹6 किलोमीटर लग गया है तो ₹60, ₹110 आपको वसूलेगा। तो मान लेना है ना कि फिक्स्ड चार्ज कितना है, एक्स है, और जो एक्स्ट्रा ले रहा है उसके बाद वो वाई है, ठीक है ना। तो पहला क्या है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, थोड़ा सा इसको यार हिंट लेना पड़ेगा, बहुत थोड़ा अलबला दिया है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलबला दिया है क्वेश्चन, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये वाला तो बन ही जाएगा, टैक्सी वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखिए इस, हाँ थोड़ा सा वही चीज देखना था खाली। देखिए इसमें भी तो वही चीज माना है, फिक्स चार्ज को एक्स किलोमीटर और पर किलोमीटर चार्ज वाई माना है, बस इतना ही का हम लोग को हमको हिंट लेना था। फिक्स चार्ज को क्या मान लिया है, फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया है,
और जो पर किलोमीटर जा रहा है, पर किलोमीटर को वाई मान लिया है, ठीक है, तो पहला 10 किलोमीटर गया है, ठीक है ना, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, और वाई वाला कितना लगेगा, 10 टाइम लगेगा, क्योंकि वाई किलोमीटर गया है, तो 10 वाई इक्वल टू टोटल कितना पैसा लग गया इसको, 105 रुपया। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105, ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या हो गया, दूसरा बार में वो 15 किलोमीटर गया, तो एक्स प्लस इस बार 15 वाई हो जाएगा, और दूसरा बार में कितना लग गया उसको, 155 रुपया लग गया, ठीक है, 155 रुपया लग गया, तो 155 लिख देना है, और ये इक्वेशन को सोल्व करके एक्स का जो वैल्यू आएगा, सोल्व कर ही देते हैं, मान लो कि 155 हुआ ना, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 155 माइनस 15 वाई हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू को इसमें ले जाके पुट करते हैं, ठीक है ना, तो एक्स प्लस, एक्स का वैल्यू कितना था भाई, एक्स का वैल्यू है 155 माइनस 15 वाई, अब प्लस में इसमें 10 वाई पहले से दिया हुआ है, इक्वल टू 105, पहला इक्वेशन हम पुट किए, तो अब इसमें कितना जगह, 155 ये घटेगा तो -5 वाई हो जाएगा, इक्वल टू 105, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 155 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 प्लस 5 वाई हो जाएगा, अब 105 को इधर लेके चलाते हैं, तो 5 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 155 में से 105 घट जाएगा, यानी कि 50, वाई का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, मतलब 1 किलोमीटर जाने का 10 रुपया लग रहा है, ये वाला जो वेरिएबल है। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स क्या है, 10 वाई प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 155 में से 15 वाई को घटा देना है, 155 में से 15 वाई, तो 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150, 5 हो गया, तो ये 5 रुपया फिक्स्ड चार्ज आ गया, फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया, फिक्स्ड चार्ज एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5 रुपया आ गया, और वाई कितना आ गया वेरिएबल वाला, 10 रुपया आ गया, ठीक है ना, ये इतना समझ में आ गया क्या कि 5 और 10 कैसे आया। पांच और दस हम कैसे लाएं, ये समझ में आया, इक्वेशन बनाकर। एक बार और कुछ नहीं, देखिए इसमें क्वेश्चन को 4 बार पहले पढ़िए। एक टैक्सी ड्राइवर है, ले जा रहा है, तो एक तो फिक्स चार्ज ले रहा है जिसको हम लोग मान लिए हैं एक्स, और एक ले रहा है पर किलोमीटर चार्ज, तो पर किलोमीटर को एक ले रहा है वाई रुपया ले रहा है, ठीक है ना, पहला बार 10 किलोमीटर गया है, तो एक्स तो फिक्स चार्ज है वो लेबे करेगा, और प्लस में 10 किलोमीटर, तो वाई रुपए किलोमीटर, तो 10 वाई किलोमीटर, टोटल खर्चा हुआ इसको 105 रुपया, तो यहाँ से पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा बार क्या, अगला बार वो क्या गया, अगला बार 15 किलोमीटर गया, यानी कि एक्स प्लस 15 किलोमीटर गया, समझ गया ना, 15 वाई, अब दूसरा बार में उसको 155 रुपया चार्ज लग गया। अब ये दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू तुम लोग बता सकते हो ना, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, ठीक बताओ जल्दी। का नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है क्या? चलो, तो जब इतना बता ही सकते हो, तो हम तो अभी सोल्व किए थे भाई, तो एक्स का वैल्यू मेरा 5 आया था, वाई का वैल्यू कितना आया था, 10 आया था। अब देखिए एक कहानी और बचा हुआ है, एक और इसमें पूछ रहा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर उसको 25 किलोमीटर जाना हो, तो एक्स तो लगेगा ही, अब प्लस में 25 वाई लगेगा, एक्स अब 25 वाई लगेगा, जितना आएगा उतना आंसर होगा, एक्स का वैल्यू कितना है, 5, और 25 वाई यानी कि 250 रुपया, यानी कि 255 रुपया उसको खर्चा आएगा, कितना किलोमीटर जाने में, 25 किलोमीटर का ट्रिप करने में, तीसरा ट्रिप अगर 25 किलोमीटर का करेगा, तो 100 वाई हमको पता हो गया है, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, फिक्स चार्ज 5 रुपया, पर किलोमीटर चार्ज 25 वाई, 25 वाई का वैल्यू 250, दोनों जुड़ के 255 रुपया उसको खर्च करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को,
में आ गया ना, तो इस क्वेश्चन को फिर से घर से बनाना है, 1 2 3 4, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मान लेते हैं ना कि इसका न्यूमिरेटर कितना है, एक्स है, और डिनोमिनेटर कितना है, वाई है, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दीजिए, तो x+2 कर दीजिए, वाई प्लस कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/11। इससे एक वो इक्वेशन बना लेना, इसको इधर मल्टीप्लाई करके, इसको इधर मल्टीप्लाई करके, इतना तुम लोग बना सकते हो। दूसरा बार क्या, अगर 3 ऐड कर देते हैं, x+3 ऐड कर देते हैं और y+3 ऐड कर देते हैं, तो अब ये बन जा रहा है 5/6। तो इसके दूसरा इक्वेशन बना लेना और x का वैल्यू निकाल लेना, y का वैल्यू निकाल लेना, और x/y जो आएगा, x/y वही आपका होगा फ्रैक्शन वैल्यू आंसर वाला। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, 5वां क्वेश्चन में एकदम इजी है, लाइन पढ़ी तो बचपन के 5वां 6ठा में देता था उस तरह का है, ऐसा तो हमको लगता है कि छोटका उटका कोई किताब में होगा क्वेश्चन। तो ये 5ों क्वेश्चन फिर से बन के आना चाहिए भाई कल, ठीक ना। आज का क्लास यही होता है समाप्त, क्लास से पहले उसे भेज देना व्हाट्सएप पर बना के 5ों क्वेश्चन फिर से।